भाई मैं आराम से बैठे हुआ था और अचानक से मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया, शुरू 2021। कैसे? ठीक है, समझ में आता है यार कि एचआर भाई जो है ना बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को हीरो बनाने की और वो हमेशा से इस कोशिश में लगे रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, उनका अगर टैलेंट अच्छा अगर कहीं पे है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंगिंग एंड म्यूजिक पे है। पर उनको पर्दे पे देखने के लिए एक टाइम के लिए ठीक था, लेकिन उसके बाद से अपने आप को बहुत ही ज्यादा जवान दिखाने के चक्कर में भाई कांड हो गया है। वैसे एक चीज और कहना चाहता हूँ, और इसको सुनने के बाद एचआर के फैन वैसे भी खुश हो जाने वाले हैं। बाय द वे, वंस अपॉन अ टाइम आई वाज आल्सो अ फैन, ग्रेट फैन, और टोपी लगाने की कोशिश की लेकिन मेरे थोबड़े पे सूट नहीं कर रहा था, ना ही उस वक्त मैं दाढ़ी थी और ना ही मेरे पीछे में इतने लंबे बाल थे कि मैं लगा लूं। और मुझे एक टाइम पे उनका गाना जो है ना काफी ज्यादा सुपर डुपर हिट था, और आपका सूर जो पहला एल्बम था उसमें देखने के बाद ऐसा लग रहा था भाई क्या बात है। तो भाई कॉम्प्लीमेंट ये है ना कि भाई अगर बुढ़ापा हो तो ऐसा हो, अगर ऐसा बुढ़ापा नहीं है तो जिंदगी जी के कोई फायदा नहीं है। साला बुढ़ाऊ दिखोगे तो क्या फायदा है, और खास करके 21 सेंचुरी में यार। टिकटॉक पे जाके देखो कैसे कैसे बूढ़े अंकल लोग मतलब बाइसेप वगैरह बना करके फाड़ डाल रहे हैं यार। तो चलो आते हैं सीधा मुद्दे पे। ये गाना जो है 7 मिनट का गाना है, मतलब 90s के टाइम पे एक गाना था, वो गाना था अब तेरे दिल में आ गए, हाँ आरजू फिल्म का, जिसमें माधुरी दीक्षित और अक्षय कुमार है। 7 मिनट से भी ज्यादा लंबा गाना था। हाँ एक और बंदा था यार जिसका नाम अल्ताफ राजा था, और उसका गाना नॉर्मली 7 से 8 मिनट का होता था, वरना 12-12 मिनट का भी गाना है तुम तो ठहरे परदेसी कुछ 15 मिनट का है, क्योंकि बीच में एक राइमिंग है जो भाई 1 साल का राइमिंग है और उसको शायद 1.5 मिनट के अंदर में निपटाया गया है। तो ये गाना भी 7 मिनट का है, जिसका पहले का इंट्रोडक्शन 1 मिनट में निकल जाता है और बीच में एक ब्रेक लेकर के फिर से 30 या 40 सेकंड्स के बाद में फिर से गाना कंटिन्यू हो रहा होता है। एंड मेरी मानो तो यार इस गाने के अंदर में म्यूजिक अच्छा है लेकिन लिरिक्स भाई नॉट अप टू द मार्क। और जो बात आपका शुरू में था ना, खास करके जो फर्स्ट जो शुरू था मतलब 2005 या 7 में जो आया था, उस टाइम का जो था ना भाई वो कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड था, और उसको सुन करके ना इंसान बार बार गुनगुनाता था। लेकिन ये गाना फिर भी ट्रेंड कर रहा है, इसके लिरिक्स भले से अच्छे ना हो, पता है क्यों? बिकॉज ऑफ फैंस। और फैंस का कहना है कि भाई आप बहुत कड़क लग रहे हो। सच बताऊं तो इस गाने को जब देखने बैठा तो भाई एचआर सर का मैंने यूट्यूब चैनल चेक कर लिया, और वहां पे जाकर के पता चला कि पिछले 5 महीने से इसका प्रमोशन चल रहा था। और प्रमोशन किस तरह से था कि भाई आई बी बैक एज ओजी, मतलब ओरिजिनल लुक के साथ में वापस आने वाले। तो मुझे लगा पीछे में लंबे बाल और वो लॉन्ग ओवरकोट और उसके साथ में जो है डीप क्लीवेज वाला टी शर्ट और दाढ़ी और साथ में रहेगा टोपी, लेकिन नहीं, वो स्वैग वापस नहीं आया बॉस। वो छोटे छोटे बाल का जो मैजिक है ना वो यहाँ पे नहीं चल रहा है। ये मेरा कहना है भाई, ये मेरी ओपिनियन है। अब एचआर के फैंस लोग हो सकते हैं कि ऑफेंड हो जाए, लेकिन जो था सो था, मैंने बोल दिया है। गाना एक बार सुनने लायक है और आपको एक बार तो जाकर के देखना चाहिए कि हमारे एचआर भैया ने कैसे कमबैक किया है और क्या इसके बाद एचआर भाई साहब और भी ऐसे एल्बम लाएंगे, आप बताना जरूर। वैसे एक्सपोज के बाद से ही इनकी करियर फुल्ली एक्सपोज हो चुकी है, और एक्सपोज का शायद पार्ट 2 भी अनाउंस किया था पर भूल गए, जस्ट लाइक ऑल्ट बालाजी। जब भी वो कोई अच्छा कंटेंट बनाता है उसका पार्ट 2 बनाना ही भूल जाता है। लोग पता नहीं कितने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं चिकन मसाला विद कोल्ड लस्सी, उसके बाद से फितरत जो कभी उन्होंने बनाया, ऑडियंस को बहुत पसंद आई, और उसके बाद से उसका पार्ट 2 बनाना भूल गए। एक के बाद एक कंटेंट लाते जाओ पर भूल गए। सो आई होप कि एचआर भाई साहब ऐसा नहीं करेंगे और अपने इस यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू करेंगे विद अदर एल्बम्स। सो व्हाट्स योर टेक, आप कमेंट सेक्शन पे जाकर के जरूर बताना। अगर आपने सुना है तो प्लीज बताओ आपको ये गाना कैसा लगा, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी लगा बताओ, मुझे गाली दे सकते हो अगर आपको बुरा ज्यादा लग रहा है तो। सो दैट वॉज माई ऑनेस्ट ओपिनियन फॉर दिस सॉन्ग। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, साइन एंड अस्ता ला विस्ता।